subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार। इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के सभी कोने से आप सबका इस महत्वपूर्ण वेबिनार में सम्मिलित होना अपने आप में इसका महत्व दर्शाता है। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। आप इस बात से परिचित हैं कि बजट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हमने एक बार इस बार एक नया विचार मन में आया और एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं, और ये अगर सफल हुआ प्रयोग तो शायद भविष्य में भी बहुत लाभ होगा। अब तक कई ऐसे वेबिनार हुए हैं, मुझे देश के गणमान्य ऐसे हजारों लोगों से बजट के संबंध में बातचीत करने का अवसर मिला है। पूरे दिन भर वेबिनार चले हैं और बहुत ही अच्छा रोडमैप, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छे सुझाव आप सबकी तरफ से आया है। ऐसा लग रहा है कि सरकार से ज्यादा आप लोग दो कदम और आगे और दो तेजी से जाने के मूड में हैं। ये अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है, मेरे लिए सुखद अनुभव है, और मुझे विश्वास है कि आज की इस चर्चा में भी हम लोगों की कोशिश ये है कि देश का बजट और देश के लिए पॉलिसी मेकिंग सिर्फ सरकारी प्रक्रिया बनकर ना रहे, देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। इसी क्रम में आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेक इन इंडिया को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्वपूर्ण साथियों से ये चर्चा हो रही है। बीते हफ्तों में जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बहुत ही फलदायी संवाद हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इनोवेटिव सुझाव आए हैं। आज के इस वेबिनार का फोकस विशेष रूप से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है। साथियों, बीते 6-7 सालों में अलग अलग स्तर पर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। इनमें आप सभी का योगदान प्रशंसनीय रहा है। अब इन प्रयासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और बड़े कदम उठाने, अपने स्पीड और स्केल को बहुत अधिक बढ़ाना है, और कोरोना के पिछले एक वर्ष के अनुभव के बाद मैं कन्विंस हूं कि भारत के लिए सिर्फ मौका नहीं है, भारत के लिए दुनिया के लिए एक जिम्मेवारी है, दुनिया के प्रति भारत की जिम्मेवारी है, और इसलिए हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के हर सेगमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, कैसे इसका प्रभाव पैदा होता है, कैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है। हमारे सामने दुनिया भर से उदाहरण है जहां देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाकर देश के विकास को गति दी है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार
रिफॉर्म्स कर रही है, हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। और हमारी प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मोस्ट मॉडर्न होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक सस्टेन करने वाली होनी चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसी से जुड़े सेक्टर्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना होगा। और निश्चित तौर पर इसमें इंडस्ट्री के आप सभी साथियों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। सरकार इसी फोकस के साथ आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल देना हो, कंप्लायंस बर्डन को कम करना हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, या फिर जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब्स इसका निर्माण, हर स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है, और इसलिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अटेस्टिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी एक प्रकार से देश के नागरिकों पर ही भरोसा करते आगे बढ़ना, इस पर हमारा जोर है। हमारा प्रयास इस वर्ष केंद्र और राज्य स्तर के 6000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम करने का हमारा इरादा है। इस संबंध में आपकी राय, आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है वेबिनार में उतना टाइम न मिले, आप मुझे लिखित भेज सकते हैं, हम इसको गंभीरता से लेने वाले हैं, क्योंकि कंप्लायंस का बर्डन कम होना ही चाहिए। टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज को बार बार ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो टिकना भरो, ये इस चीजों से मुझे मुक्ति देनी है। इसी प्रकार लोकल लेवल पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आज सरकार अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। इससे एमएसएमईज हो, किसान हो, छोटे छोटे हस्तशिल्पी हो, सभी को एक्सपोर्ट के लिए बहुत मदद मिलेगी। साथियों, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के पीछे भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का विस्तार करने की ही हमारी भावना है। दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत को अपना बेस बनाएं और हमारी घरेलू इंडस्ट्री, हमारे एमएसएमईज की संख्या और सामर्थ्य का विस्तार हो, इस सोच के साथ हम इस वेबिनार में कॉन्क्रीट योजनाओं को अगर रूप दे सकते हैं तो जिस फिलोसॉफी को लेकर के बजट आया है वो परिणामकारी सिद्ध होगा। इस योजना का मकसद अलग अलग सेक्टर्स में भारतीय उद्योगों की कोर कॉम्पिटेंसीज और एक्सपोर्ट में
ग्लोबल प्रेजेंस का दायरा हमें बढ़ाना ही होगा। सीमित जगह पे, सीमित देशों में सीमित आइटम लेकर के और हिंदुस्तान के दो चार कोने में से ही एक्सपोर्ट, ये स्थिति हर प्रकार से बदलनी है। हिंदुस्तान का हर जिला एक्सपोर्ट में क्यों ना हो, दुनिया का हर देश भारत से इंपोर्ट क्यों ना करता हो, दुनिया के हर देश में हर इलाके में क्यों ना हो, हर प्रकार की चीजें क्यों ना हो, पहले की योजनाओं और मौजूदा योजनाओं में आपने भी एक स्पष्ट अंतर देखा होगा। पहले इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स, एक ओपन एंडेड इनपुट बेस्ड सब्सिडीज का प्रावधान होता था, अब इसको एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के माध्यम से टारगेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड बनाया गया है। पहली बार 13 सेक्टर्स को इस प्रकार की योजना के दायरे में लाना हमारा कमिटमेंट दिखाता है। साथियों, ये पीएलआई जिस सेक्टर के लिए है उसको तो ये लाभ हो ही रहा है, इससे उस सेक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम का बहुत फायदा होगा। ऑटो और फार्मा में पीएलआई से ऑटो पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं के रॉ मटेरियल से जुड़ी विदेशी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। एडवांस सेल बैटरीज, सोलार पीवी मॉड्यूल्स और स्पेशलिटी स्टील, इसको मिलने वाली मदद से देश में एनर्जी सेक्टर आधुनिक होगा। हमारा अपना रॉ मटेरियल, हमारा अपना लेबर, हमारी अपनी स्किल, हमारा अपना टैलेंट, हम कितना बड़ा जंप लगा सकते हैं। इसी तरह टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलने वाली पीएलआई से हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ होगा। हमारे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों यानी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी आपने कल ही देखा है कि भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2023 को, यानी दो साल के बाद 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में 70 से ज्यादा देश आए थे और फिर यूएन जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है, ये हमारे किसानों के लिए भी बड़ा अवसर है और उसमें भी खास करके छोटे किसान, जहां सिंचाई की सुविधाएं भी कम है और जहां पर मोटा अनाज पैदा होता है, इस मोटे अनाज का महात्म्य दुनिया तक पहुंचाने का काम यूएन के माध्यम से हमने जो प्रस्तावित किया वो 2023 के लिए स्वीकृत हुआ है। भारत के छोटे किसानों को, जहां सिंचाई उपलब्ध नहीं है, ऐसे दुर्गम इलाके की खेती को, हमारे गरीब किसान को ये मोटे अनाज की ताकत कितनी है, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, उसमें वैरायटीज कितनी हो सकती है, दुनिया में ये अफोर्डेबल कैसे हो सकती है, ये कितना बड़ा अवसर हमारे सामने है। जैसे हमने योग को दुनिया में प्रचारित, प्रसारित और प्रतिष्ठित किया, वैसे ही हम सब मिलकर के, खास करके एग्रो प्रोसेसिंग वाले लोग मिलकर के मिलेट्स यानी मोटे अनाज के लिए भी सारी दुनिया में पहुंच सकते हैं। वर्ष 2023 में, अभी हमारे पास समय है, हम पूरी तैयारी के साथ विश्व भर में अभियान शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से कोरोना से बचाने के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वैसे ही लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए भारत में पैदा हुए मिलेट्स भी, मोटा अनाज भी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतनी ही उपयोगी होगी
मिलेट्स या मोटे अनाज की पौष्टिक क्षमता पर अब हम सभी उसे परिचित है। एक समय में रसोई में मिलेट्स बहुत प्रमुखता से होते थे, अब ये ट्रेंड वापस लौट रहा है। भारत की पहल के बाद यूएन द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की घोषणा देश और विदेश में मिलेट्स की डिमांड तेजी से बढ़ाएगी। इससे हमारे किसानों और विशेषकर देश के छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। इसलिए मेरा एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आग्रह है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाए। मैं तो आज भी आपके वेबिनार से कोई सुझाव निकलते हैं तो एक छोटा टास्क फोर्स बनाया जाए जो जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हो, और हम इस मिलेट्स मिशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं दुनिया में, इस पर हम सोच सकते हैं। ऐसी कौन सी वैरायटीज बन सकती हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों के टेस्ट के अनुकूल भी हो और हेल्थ के लिए बहुत ताकतवर हो। साथियों, इस वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी इन योजनाओं के लिए करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोडक्शन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में दिया गया है, यानी सिर्फ पीएलआई स्कीम के द्वारा ही आने वाले 5 सालों में लगभग $520 बिलियन का $520 बिलियन का प्रोडक्शन भारत में होने का अनुमान है। अनुमान ये भी है कि जिन सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजना बनाई गई है उन सेक्टर में अभी जितनी वर्कफोर्स काम कर रही है वो करीब करीब 2 गुनी हो जाएगी। रोजगार निर्माण में बहुत बड़ा असर पीएलआई योजना का होने वाला है। इंडस्ट्री को तो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में तो लाभ होगा ही, देश में आय बढ़ाने से जो डिमांड बढ़ेगी उसका लाभ होगा, यानी 2 गुना फायदा। साथियों, पीएलआई से जुड़ी जो घोषणाएं की गई है उन पर तेजी से अमल हो रहा है। आईटी हार्डवेयर और टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 2 पीएलआई योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है। मुझे विश्वास है कि इन सेक्टर से जुड़े साथियों ने इनकी असेसमेंट अब तक कर ली है। आईटी हार्डवेयर के मामले में आने वाले 4 वर्षों में करीब 3.25 ट्रिलियन रुपए के प्रोडक्शन का अनुमान है। इस योजना से आईटी हार्डवेयर में 5 सालों के दौरान डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अभी के 5-10% से बढ़कर 20-25% तक हो जाना है। इसी तरह टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी आने वाले 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इसमें भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने की स्थिति हमें हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। फार्मा सेक्टर में भी आने वाले 5-6 सालों में एक प्रकार से 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पीएलआई के तहत होने की संभावना हम नकार नहीं सकते हैं। बड़ा लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। इससे फार्मा सेल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और एक्सपोर्ट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। साथियों, भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं वो खाली नहीं आ रहे हैं, वो अपने साथ भारत के प्रति बढ़ा हुआ भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और उन देशों का लोगों का स्नेह
और बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके आशीर्वाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के ये हमारे जहाज भर भर के आ रहे हैं। और ये संकट काल में जो भरोसा बनता है वो केवल प्रभावी पैदा नहीं करता, ये भरोसा चिरंजीव होता है, अमर होता है, प्रेरक होता है। भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है और नम्रता के साथ कर रहा है, हम कोई अहंकार के साथ नहीं कर रहे, हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं। सेवा परमो धर्म, ये हमारे संस्कार है। इससे पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। भारत की साख, भारत की पहचान निरंतर नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। और ये भरोसा केवल वैक्सीन तक ही नहीं है, सिर्फ फार्मा सेक्टर की चीजों तक नहीं है। जब एक देश का ब्रांड बन जाता है तो उसकी हर चीज के प्रति विश्व के हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है और वो उसकी पहली पसंद बन जाता है। हमारी दवाइयां, हमारे मेडिकल प्रोफेशंस, भारत में बने मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सब के प्रति भी आज भरोसा बढ़ा है। इस भरोसे को सम्मान देने के लिए, इस समय का लाभ उठाने के लिए हमारी दूरगामी रणनीति क्या हो, इस पर फार्मा सेक्टर को इसी समय काम करना होगा। और साथियों, भारत पर बना यह भरोसा हर सेक्टर ने इसके सहारे आगे बढ़ने की योजना का मौका छोड़ना नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूं। और इसलिए इस सकारात्मक परिस्थितियों में हर सेक्टर को अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर देना चाहिए। ये समय गंवाने का नहीं, ये समय पाने का है, देश के लिए हासिल करना है, आपकी अपनी कंपनी के लिए अवसर है। और साथियों, ये बातें जो मैं कह रहा हूं, ये करना जरा भी मुश्किल नहीं है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस स्टोरी इनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, हां ये सत्य है, संभव है। ऐसी एक सक्सेस स्टोरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी है। पिछले साल हमने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी। पैंडेमिक के दौरान भी इस सेक्टर में बीते साल 35,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ। यही नहीं, कोरोना के इस कालखंड में भी इस सेक्टर में करीब करीब 1300 करोड़ रुपयों का नया इन्वेस्टमेंट आया है। इससे हजारों नई जॉब्स इस सेक्टर में तैयार हुई है। साथियों, पीएलआई स्कीम का एक व्यापक असर देश के एमएसएमई इकोसिस्टम को होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर सेक्टर में जो एंकर यूनिट बनेंगे उनको पूरी वैल्यू चेन में नए सप्लायर बेस की जरूरत होगी। ये जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, ये ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर में ही बनेगी। एमएसएमई को ऐसे ही अवसरों के लिए तैयार करने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। एमएसएमई की डेफिनेशन में बदलाव से लेकर इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाने तक के फैसलों में बहुत लाभ इस सेक्टर को मिल रहा है। आज के दिन हम यहां जब बैठे हैं तो हमें आपके प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन की भी अपेक्षा है। पीएलआई से जुड़ने में अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है, अगर कुछ इसमें सुधार हो सकते हैं जो जरूर अपनी बातें आपको लगती हैं, आप जरूर रखें, मेरे तक भी पहुंचाएं। साथियों, मुश्किल समय में हमने दिखाया है कि सामूहिक प्रयासों से हम बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कोलैबोरेशन की यही अप्रोच
आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगी। अब इंडस्ट्री के आप सभी साथियों को आगे बढ़कर नए अवसरों पर काम करना है। इंडस्ट्री को अब देश और दुनिया के बेस्ट क्वालिटी गुड्स बनाने पर फोकस बढ़ाना है। इंडस्ट्री को फास्ट मूविंग, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड की जरूरतों के हिसाब से इनोवेट करना होगा। R&D में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। मैन पावर की स्किल अपग्रेडेशन और नई टेक्नोलॉजी के उपयोग में भारत की इंडस्ट्री को और बढ़कर काम करना होगा, तभी हम ग्लोबली कॉम्पिटेंट हो पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज के इस मंथन से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस सफर को आप सभी के विचारों, आप सभी के सुझावों, इससे नया बल मिलेगा, नई ताकत मिलेगी, नई जीत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। मैं फिर आग्रह करूंगा कि आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं, रिफॉर्म्स को लेकर जो भी आपके सुझाव हैं, वो मुझे जरूर पहुंचाइए, खुले मन से पहुंचाइए। सरकार आपके हर सुझाव, हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। मैं एक बात और कहूंगा, सरकार की इंसेंटिव स्कीमें, व्यवस्थाएं जो भी हो, आपको कभी सीधा साधा लगता है कि दुनिया में जो माल है उसे हमारा सस्ता हो तो बिकेगा, ये अपने जगह पे सही होगा, लेकिन ये मान के चलिए इन सबसे बड़ी ताकत होती है क्वालिटी की। हमारी प्रोडक्ट कितनी कंपटीशन में क्वालिटी में खड़ी रहती है, फिर दुनिया 2 रुपया ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाती है। आज भारत एक ब्रांड बन चुका है। अब आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की पहचान बनानी है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। अगर मेहनत करनी है तो प्रोडक्शन क्वालिटी पर करनी है। PLI का ज्यादा फायदा PLI में और अधिक बेनिफिट मिले उसमें नहीं है। PLI का ज्यादा फायदा प्रोडक्शन की क्वालिटी पर बल देने में है। इस पर भी आज की चर्चा में ध्यान देंगे, बहुत लाभ होगा। मैं आप इतनी बड़ी तादाद में इस बार जुड़ रहे हैं, आप दिन भर बैठने वाले हैं, मैं ज्यादा समय आपका लेता नहीं हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस समारोह में आने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।